जब भी आप कोई पोलनाइजर पेड़ तैयार करते हैं उसमें कम से कम 4-5 तरह की कलमें डालो ताकि वो अलग अलग स्टेजेस में आपको कवर अप दे। फुल फ्लावर था, अब बारिश क्या रोल करती है। वैसे तो पीजीआर डाल दिया था कल मॉर्निंग में, हो चुकी है स्प्रे, अब आगे का कह नहीं सकते हम। पॉलिनेशन का होना और बहुत ज्यादा होना, इसके साथ साथ बीज भी लगी है। ये एक रेड का प्लांट था, इसमें अगर आप देख पाएंगे इसमें भी एक ही ये, एक ये दो, एक ये तीन, हमने तीन पॉलिनाइजर डाले इस पेड़ की जड़ों में, क्योंकि ये लोअर पार्ट में ही हमेशा सेटिंग की शिकायत आती है, अपर पार्ट में तो ऐसे ही लग जाते हैं। ये हमारा रेड का प्लांट था जो मैंने 2 साल पहले रेड कान में कन्वर्ट किया था। ये वाला प्लांट ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हिमाचल का सबसे बड़ा पेड़ होगा स्पर का, क्योंकि इससे मैं लगभग 17-18 बॉक्स तोड़ता हूं एप्पल के। जो तो न्यू वैरायटीज है उनमें तो काफी अच्छी सेटिंग दिख रही है अपना स्पर में। जो पहले अर्ली फ्लावर, अभी मैं फर्स्ट फ्लावर की बात करूंगा, अभी सेकंड फ्लावर प्रोसेसिंग में है, अभी उसका कोई आइडिया नहीं है, 2-1 दिन में क्लियर हो जाएगा। ये नीचे से ही ग्राफ्ट स्कारलेट 2 का पौधा है, ये फिर से जड़ों का यूज, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वायरीज मेरे पास आ रही है सेब की सेटिंग नहीं हो रही। सेटिंग कैसे होगी भैया, आपके पॉलिनेशन ही बहुत वीक है। अब आप इसको देखो, इसका क्या रोल था, हम अमूमन इसको ये साइड वाले शूट को पट लेना था हमने, जबकि हमने यूज कर दिया और इसको एज ए पॉलिनाइजर यूज करे है, और इसको इधर इधर बेंड करके ये पार तक काम कर रहा है। यहाँ तो काफी बड़े फ्रूट हो चुका है, काफी अच्छी सेटिंग दिख रही है फर्स्ट फ्लावर की। अब होपफुली सेकंड की भी ऐसे आए, थर्ड की भी ऐसे आए। ये मेरा स्पर का बगीचा है जी, सीडलिंग पर है ये सारा ऑलमोस्ट यहाँ तक। अभी बहुत अच्छा फ्लावर आया था, सो फ्रेंड्स चलो ये तो फूल पॉलिनेशन कैसे आपने यूज करना है उसकी बात हुई। अब मैं आपको जो क्वायरीज आ रही है उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ फिर से एक बार। वैसे तो बहुत बारी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि पिंक बर्ड पे क्या करना है, पिंक बर्ड की असली स्टेज कब है। पिंक बर्ड की असली स्टेज है जब आपके बगीचे में लगभग 5-7 या 10% तक फ्लावर आ जाए, कहीं कहीं फूल खिला हुआ दिखने लग जाए, तो वो असली पिंक स्टेज है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप पिंक बर्ड देखेंगे तो नीचे पिंक होगा ऊपर तो टाइट क्लस्टर होगा, इसलिए आपने थोड़ा वेट करना है, 5-1% फ्लावर आने देना है, उसके बाद आपने पिंक बर्ड की स्प्रे करनी है। पिंक बर्ड पे क्या करे, जैसी स्थिति लग रही है अब की या आज के बाद की, उसमें आपको 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फूल वैसे स्ट्रॉन्ग तो मैक्सिमम है, मगर मेरे को ये लग रहा है क्योंकि लो हाइट में तो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लास्ट ईयर क्रॉप कम थी लोगों के, मिडल और हायर एलिवेशन में काफी वीक आएगा फ्लावर। ऐसा नहीं फूल नहीं आएगा, फूल आएगा पकर वीक आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1-12-61 आता है नाइट्रेट फॉस्फोरस, जिसमें नाइट्रोजन के साथ सुपर है, उसको स्प्रे में डालना है। उसके साथ 100 ग्राम चिलेटेड जिंक, याद रखना जिंक दूसरा कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ चिलेटेड फॉर्म वाला 100 ग्राम का पैकेट पड़ेगा, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है, फट जाती है दवाई। तो 200 ग्राम बोरॉन मैक्सिमम, या अमूमन क्या देखा आपने कि बोरॉन की 250 ग्राम की पैकिंग आती है। जो बोरॉन का असली डोज है वो 200 लीटर पानी में 200 ग्राम है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाइल्यूट होना चाहिए, उसको 250 मत डालो। एक तो आपने पैसा वेस्ट किया 50 ग्राम एक्स्ट्रा डाल के,
तो 50 ग्राम कहीं और यूज होगा। जबकि हमेशा याद रखना, कम दवाई असर, ओवर डोजिंग हमेशा खतरनाक होती है। डोज का एक बराबर होना बिल्कुल जरूरी है। और पानी में और ड्रम, खास तौर पर ड्रम का आप जब भी आप स्प्रे करें विशेष ध्यान रखें। मैक्सिमम ये ड्रम है हमारे, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, पूरा भर देते हैं पानी से, जबकि ये बड़ा गलत तरीका। जबकि इससे लगभग 5-6 इंच नीचे यहाँ पर, यहाँ 200 लीटर पानी आता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए जब भी आपने भरना है तो इसको कम भरना है, क्योंकि अगर आपका पानी का वॉल्यूम ज्यादा होगा दवाई कम पड़ेगी, तो वो असर हमेशा ही कम करेगी। इसके लिए पानी का 200 लीटर ही भरना है, उससे ज्यादा नहीं भरना है। ये तो आपकी पिंक बर्ड की एक स्प्रे होगी। फिर कई लोगों की क्वेरीज आती है, कई जगह आपने सुना होगा यूरिया के लिए बोलता हूँ मैं, यूरिया भी पड़ता है, क्योंकि नाइट्रेट फॉस्फोरस ऑलमोस्ट 150 से 100, अच्छी कंपनी का 180-190 तक मिल रहा है। अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस चीज को, तो वो जिंक बोरॉन के साथ साथ 1 किलो यूरिया डाल दो और बेविस्टीन का 1 पैकेट। क्योंकि इस साल हमेशा फ्लावर पे जब भी बारिश या मौसम खराब होता है, मॉइस्चर हाई होता है, तो कोर रॉट होने की ज्यादा संभावना। कोर रॉट होता है जी, जो फ्रूट के अंदर बीज बना होता है वहां पार्ट में इन्फेक्शन चला जाता है, जिससे वो सड़ जाता है। आपने देखा फ्रूट ड्रॉपिंग होती है, वो ड्रॉपिंग इसी वजह से होती है कि मॉइस्चर लेवल जब भी हाई होगा तो फंगस एंटर करती है स्टिग्मा लाइन के थ्रू अंदर फ्रूट के बीज के पास, और बीज सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे फ्रूट की ड्रॉपिंग की शिकायत आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको बेविस्टीन ऐड करना भी जरूरी है, उसमें 100 ग्राम या पर्ल टाइप पाती है लिक्विड फॉर्म में, आप उसको डाल सकते हैं 2 स्प्रे। फिर तीसरी स्प्रे आती है जी, लोगों के जो कंफ्यूजन बना हुआ है पीजीआर को लेके, पीजीआर कोई भी हो सकता है आपका, प्रोमोलिन परलान बतेरे है, और बाजार में आप जो भी यूज करें, जिब्रेलिक एसिड डालते हैं आप, तो अगर तो आप सेटिंग के पर्पज से डाल रहे हैं, तो सेटिंग के पर्पज में क्या होगा, आपको वो डालना है 30 से 40% फ्लावर पे। अगर आपने फ्रूट सेटिंग के लिए हेल्प करानी है, सेटिंग नहीं करेगा वो फ्रूट सेटिंग में हेल्प करेगा आपकी। अच्छा जी, और अगर आपके मौसम सही है, आपको ये लग रहा है कि ठीक है, पिंक बर्ड की स्प्रे अलग करनी है और पीजीआर की स्प्रे अलग करनी है, अपना अपना रोल हर जगह है, तो उसको आपने लगभग 60% पे, अच्छे रिजल्ट के लिए 60% पे आपने 200 से 250 का डोज डालना है। और उसके बाद जब आपके पेटल फॉल हो जाए तो वहां पर 150 से 200 छोटी-छोटी में, वो आपने अपने हिसाब से डिसाइड करना। कल ही सुरेंद्र ब्रामटा जी मिले, उन काफ़ी अच्छे ऑर्चर्डिस्ट हैं, तो उन्होंने भी नॉलेज शेयर की, क्योंकि हम भी लर्नर है जी, एक दूसरे से ही नॉलेज शेयर करके सीखेंगे, किसी के अपने प्रैक्टिसेस है, किसकी अपनी वो है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक दो फ्रेंड जो बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, वो 100 ml/200 L पानी में पीजीआर की एक स्प्रे करते हैं पीनट साइज पे, जिससे बहुत ही जबरदस्त की। इस साल मैं उस स्टेज पर उसके ट्रायल लगाऊंगा, मैं डालने के लिए नहीं बोलूंगा लोगों को, मगर मैं उसका ट्रायल लगाऊंगा कि कितना फर्क पड़ा, क्योंकि जी जो पीजीआर है उसका एक्चुअल और सही डोजेज किस स्टेजेस वो हम नहीं पकड़ पा रहे, मैं भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, इसलिए भगवान कोई नहीं है, आप लोग भी अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक दो दो पेड़ में ना हर तरह के ट्रायल खुद लगाइए।